आरिफ मिर्जा साहब को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। बीते 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में धाक जमाए हुए हैं आरिफ मिर्जा। भास्कर, नई दुनिया, जागरण, पीपल समाचार, सिटी केबल, सीटीवी, राज न्यूज़, प्रदेश टुडे तक में पत्रकारिता के जौहर दिखाए। आरिफ मिर्जा पिछले 8 सालों से प्रदेश टुडे का एक बेहतरीन, बेहद लोकप्रिय स्तंभ मीडिया मिर्ची लिख रहे हैं। इसमें सूरमा की फेंक बहुत लोकप्रिय है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी के जानकार आरिफ मिर्जा हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी में सलीके से अपनी बात कहने और ख़बरों को रोचक शैली में लिखने में महारत हासिल कर चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने पवित्र व्यवसाय को ये सर्वहारा मदद और ज़रूरतमंदों की सहायता का माध्यम माना है, लिहाजा इन्होंने कलम का इस्तेमाल समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े उपेक्षित वर्ग के बढ़ाने में और मानवीय संवेदनाओं को उद्घाटित करने में किया है। आइए उनसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई, शेफाली जी और मंत्री जो है। दुनिया सुने तो किस्सा गम तवील है बहुत, दुनिया सुने तो किस्सा गम तवील है बहुत, हाँ तुम सुनो तो किस्सा गम मुख्तसर भी है। तो मैं समझता हूँ कि दखल अवार्ड के लिए मैं सर्वाधिक योग्य पत्रकार हूँ, क्योंकि मेरा काम ही दखल देना है पत्रकारों के जीवन में। बहुत से पत्रकार मेरे ख्याल से खुश कम होंगे, दुखी ज़्यादा रहते हैं मुझसे। हालांकि शरीफ भाई तो मेरे ख्याल से खुश ही लगते हैं लेकिन थोड़ा सा सर अरे मेरा काम ये है सर कि खबरों की दुनिया में जो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, उनकी जीवन शैली को सामने लाने का काम करता हूँ। ये थोड़ा खबरों से हटके है, उनका संघर्ष क्या है, उनको कई बार कभी किसी की हादसे में वो दो चार होता है, कभी इस दुनिया से विदा हो जाता है, उसके बारे में दो शब्द लिखना, ये मेरा काम है। आपने मुझे यहाँ मौका दिया, सम्मान दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब देखिए, जो सम्मान मिलते हैं ख़ासतौर से इस तरह के जो विशिष्ट सम्मान होते हैं किसी को भी मिले, वे एक रिकॉग्निशन तो देते ही हैं, खुशी भी देते हैं और साथ में हमारा दायित्व भी बढ़ाते हैं। अब वो हमें इस राह पर प्रशस्त कर रहे हैं कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसको हम और बेहतर कर सकें, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान हमारा हो सकता है, ये पुरस्कार जो है हमको ये रास्ता भी दिखाता है। मैं अनुराग जी का, शेफाली जी का और आप सब पूरी दखल की टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।